Yo guys, welcome back to NKL Vlogs and I'm back with another roast video. तो guys, मैंने आपको कहा था नहीं है, मैं सोचती हूँ चूतिया है, पर ये चूतिया नहीं चटक चूतिया है, क्योंकि इस बंदे में चूल इतनी भरी पड़ी है ना कि वो ओवरफ्लो हो रही थी, इसलिए उसी ओवरफ्लो को कम करने के लिए उसने मेरे पे ये रोस्ट वीडियो बनाई थी। पर इस वीडियो से इसका चूल कम नहीं हुई और उल्टा बढ़ गई, और अब इसने फिर से मेरे पे ये रोस्ट वीडियो बनाई और मेरे इस वीडियो का रिप्लाई दिया। बस इसने इस वीडियो में एक गलती कर दी, मेरे साथ साथ एक और बंदे को रोस्ट कर दिया जो कि एक यूट्यूबर ही है, तुषार अगनानी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। तो यार दोनों को रोस्ट एक ही वीडियो में किया है, तो रिप्लाई भी तो एक ही वीडियो में मिलना चाहिए ना यार, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलिए यार स्टार्टिंग विद द सेम डायलॉग इस गांडू की प्यार से लेना शुरू करते हैं। Go easy on you, not to hurt your. Hello. साले हॉर्न गन में डाल देंगे अभी। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना? तो यार भैंचोद फिर से कॉपी। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कैरी की कॉपी करता है, तो इस वीडियो में झाटू ने मेरी कॉपी कर ली। नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आता है कि तुमको खुद का कुछ बनाने में क्या दिक्कत आती है यार। आप जाके बकायदा देख सकते हो, मैंने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में लूडो मूवी का सीन डाला था, तो ये झाटू ने सेम थीम कॉपी करके बस मिर्जापुर का डाल दिया। इनसे खुद का कुछ नहीं हो सकता है, आप मान लो ये झाटू लोग हैं। गाइज मैं जानता नहीं हूँ कि कैनकेल ब्लॉग ने हरकत क्या करी है ये। अबे लूडो तो अभी तक ये नहीं जान पाया कि मैंने हरकत क्या कर दी। नहीं मतलब मैंने रोस्ट वीडियो बनाई, तूने उसका रिप्लाई दिया, और अब मैं फिर से उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, तेरी और मार रहा हूँ, और तेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने हरकत क्या कर दी। अबे इतनी कितनी गान फट गई वीडियो देख के। नहीं ज़्यादा फट गई तो बोल, दर्जी भेजता हूँ सिल के देगा। मैं आपको बताऊँ ना, आधी तो इसकी मेरा थंबनेल देख के फट गई थी, और आधी इसकी उस बंदे ने फाड़ दी जिसका ये वो टट्टी गेम प्ले लेता है फ्री फायर वाला। उसको बताओ कि वह गंवार आदमी चूतिए, हम कोई कैरी बिनाटी कॉपी नहीं करते, खुद के दम पे वीडियो बनाते हैं। और गाइज एक और गंवार और चूतिया इसके साथ एक क्रेजी सिवलिंग्स के नाम से, उसकी मैं बहुत जल्दी उतारूंगा, तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, मैं लेकर आऊँगा इनके लिए वीडियो, फाड़ खाओ वीडियो। बेटा तो कितना खुद के दम पे वीडियो बनाते वो तो इधर ही इन तीन वीडियो से पता चल ही गया है, समझ रहा है गांडू? तू इतनी शिद्दत से दम लगाता ना अपनी वीडियो में कि मेरे को उसमें सिर्फ वो टट्टी फ्री फायर वाला गेम प्ले दिखता है। और हाँ गेम प्ले भाई, तू मेरे को एक बात बता यार मुनार, तू जिस गांडू का ये गेम प्ले लेता है वो क्या तेरे को पैसे देता है क्या यार, कि प्लीज यार मेरा गेम प्ले अपने वीडियो में यूज कर? मतलब यार हर वीडियो में वो एक ही टट्टी गेम प्ले, चारों की चारों वीडियो में इसने वो एक ही टट्टी गेम प्ले यूज किया है। अबे यार यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे गेम प्ले मिलते हैं, वो लेके डाल ले, कॉपी तो वैसे भी तेरे को अच्छे से करना आता ही है, समझ रहा है? बेटा इससे अच्छा गेम तो है ना मेरा 5 साल का छोटा भाई खेल लेता है, बोल तो उससे मंगवा के दूं। अरे भैंचोद आप तो मुझे जहर ला के दे दो, कसम से ऐसी वीडियो देख के तो मैं मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। भाई जहर चाहिए, मरना है पक्का, मेरी चोद बाद में पलट मत जाइयो, रुक अभी ला के करो, रुक जा यही रहियो अभी ला के दे रहा हूं। ये ले भैंचोद इसको पी, गांड मरा और पहली फुर्सत में निकल, समझ रहा है? देख दो चीजें मेरे पास, दो ऑप्शन है तेरे लिए, ये एक तो लिक्विड है और ये खाने का है, ये रेड कलर चाहिए तो रेड कलर खा, नहीं तो जहर है ये जहर पी और निकल, समझ रहा है? बेटा तेरे जैसा ना एक गांडू इस दुनिया से कम हो गया ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना है, और सब खुश होंगे भैंचोद की एक गांडू तो कम हुआ इस दुनिया से। से हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, सच में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुनाक तू एक काम कर, सबसे पहले जाना और ढंग से एडिटिंग सीख के आ, कॉपी कर रहा है तो कम से कम ढंग से तो कर। नहीं मेरी रोस्ट वीडियो में ये मेरे को बोल रहा था कि मेरे से ज्यादा मेरी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, अबे मेरी कम से कम वॉइस तो आ रही है, तेरी तो वो भी नहीं आ रही, समझ रहा है? सबसे पहले जा और ढंग से एडिटिंग सीख के आ। और तो और इसकी वीडियो में कार मास्टर का वाटरमार्क तक देख लो यार, इसी से पता चलता है ये गांडू कितना बड़ा नूब है एडिटिंग में, इससे ये छोटा सा वाटर मार्क तक नहीं हटाया गया। बेटा काइन मास्टर का प्रीमियम खरीदने की औकात नहीं है तो कम से कम गूगल से जाके इसका मॉड एपीके डाउनलोड कर ले यार, ये बात तो एक छोटे बच्चे को भी पता होती है कि ये मॉड एपीके कैसे डाउनलोड करना होता है, इस गांडू को तो वो भी नहीं पता। तो यार मजा नहीं आ रहा है ना, बोर हो गए ना मेरे को देख देख के, तो चलो गुड मॉर्निंग गोकुलधाम, आई एम अ शिटी यूट्यूबर क्रिटिसाइजिंग अनदर शिटी यूट्यूबर गेटिंग मोर व्यूज देन मी। खैर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि किसके बारे में बात होने वाली है, तुम निखिल का सेगमेंट देख कर आए हो, MS रोस्टिंग। आइए एक झलक इसके कंटेंट पर भी मार ली जाए।
आरा चंदू अच्छे से मारना मेरी गांड। और धीरे बोल ले, मम्मी ने सुन लिया तो वर्जिनिटी के साथ साथ भूख भी नहीं मिटा पाएगा। नहीं यार, मजाक की बात साइड में, मुझे पर्सनली उसकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई, स्पेशली वो एंड में जब वो खत्म हो गई। खैर तुम इसके घर तक वीडियो पहुंचाओ, मुझे भी कुछ पहुंचाना है। कि वह गंवार आदमी चूती है, हम कोई कैरी बिनाटी कॉपी नहीं करते, खुद के दम पे वीडियो बनाते हैं। हम कैरी की कॉपी नहीं करते, अपने दम पर कंटेंट बनाते हैं। आर द वर्ड्स ऑफ आवर बिलव्ड मोनार्क शर्मा। सो मोनार्क शर्मा ओन्स द चैनल नेम्ड एमएस रोस्टिंग। बहुत ही क्रिएटिव नाम, ऐसा नाम तो पहले किसी ने रखा ही नहीं है। बहुत क्रिएटिव, बिल्कुल अपने दम पर। चलो ठीक है, नाम कभी कभी सिमिलर हो जाता है, लेकिन भाई वीडियो छोड़ दो, अपने दम पर थंबनेल तो बना लिया कर। थंबनेल भी नहीं लगा रखा इसने वीडियो के अंदर। और यही होता है जब तुम आंसर फ्रेमिंग की उम्र में वीडियो फ्रेमिंग कर रहे होते हो। और एक सेकंड, इस बंदे के क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स बिग बॉस की टीआरपी से ज्यादा लो हैं। मतलब ये इसकी थर्ड वीडियो है और ये थर्ड वीडियो का पहला जोक ये है। और हाँ गाइस, मैं कोई इतना शरीफ तो हूँ नहीं कि कोई मेरे सामने खोल कर कड़ा हो और मैं सीधा निकल जाऊं। लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूं। ठीक है यार, जोक चुराए कोई बात नहीं, लेकिन बंदे ने मेहनत करी है। यार मेहनत तो लगती होगी ना किसी और के जोक्स चुराने के बाद भी वीडियो बोरिंग फील कराने में। मोनार्क इंस्टाग्राम पर मॉडल्स को फॉलो करता है। देख मोनार्क, ऑनलाइन क्लासेस करने में मॉडल्स की जगह पर मॉडल्स पर फोकस किया होता तो शायद आज तेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रामर सही होती। करोगे तो उसको बताओ कि वह गंवार आदमी चूती है, हम कोई कैरी बिनाटी कॉपी नहीं करते, खुद के दम पे वीडियो बनाते हैं। फॉलो करो, मैं लेकर आऊंगा इनके लिए वीडियो, फाड़ खाऊ वीडियो। जोक्स कॉपी करूंगा लेकिन वीडियो मेरी फाड़ खाऊ। जोक्स कॉपी करूंगा लेकिन वीडियो मेरी फाड़ खाऊ। दूसरों को गवार बोलूंगा भले खुद मिर्जापुर की स्पेलिंग लिखने में हार जाऊं। आ गया 2021, एंजॉय करो। हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ तुम्हारी कंडीशन के बारे में। तो पूछा ही क्यों माधर? और मेरी पॉटर शक्तियां मुझे बता रही है कि मोनार्क ने टिकटॉक रोज भी बना रखा है। इस हिसाब से तो मोनार्क ने कभी टिकटॉक यूज ही नहीं किया होगा। मोनार्क थोड़ी ना लिपसिंग वाली वीडियो, सॉरी मोनार्क थोड़ी ना लिपसिंग वाली वीडियो। मोनार्क तू मेरी टैन लाइन से ज्यादा रंग बदल रहा है। और भाई जोक्स कितनी कॉन्फिडेंस से चुराता है तू, एक बार के लिए मुझे लगा ही नहीं कि क्वालिटी राइट जैसी कोई चीज भी होती है। खैर जिसका नाम ही मोनार्क, उसे डेमोक्रेसी वाली चीजों की तो उम्मीद भी नहीं थी मुझे। भाई जो जोक्स अपार्ट यार, लेकिन मोनार्क की वीडियो में मुझे एंटरटेनमेंट तो मिला डिस्क्रिप्शन में। और भाई मोनार्क तेरी वीडियोस मिनी प्लेयर में चलती हैं। हाँ माना गालियों से सिर्फ बच्चे हंसते हैं, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी तो बच्चों को गालियां सिखाएगा। और हाँ मैंने देखा तो अपनी वीडियो के अंदर बॉडी शेमिंग करके उसको जोक समझता है। नो वंडर तूने कपिल शर्मा को क्यों फॉलो कर रखा है। दिस वॉज जस्ट अ जोक, बॉडी शेमिंग किसी को नहीं करनी चाहिए, बॉडी शेमिंग बहुत बुरी चीज होती है। खैर बुरी चीज होती है, याद आया मोनार्क के चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। बिलीव मी और नॉट, आने वाले 20 सेकंड मोनार्क इस वाली लाइन को जस्टिफाई कर देंगे। भैया ओरिजिनलिटी की बात करेंगे, भले खुद की प्रोफाइल पिक्चर भी चुराई हुई हो, ऐसे भैया जोक्स भी चुराते हैं। भैया को वीडियो काटना भी नहीं आता, ना चेहरा ब्लर करने आता है। भैया खुद रील्स की गोद में बैठे हैं लेकिन फिर भी टिकटॉक को बोलेंगे। भैया वीडियो में गाली देते हैं फिर भी वीडियो फॉर किड्स रख रखी है। खैर जिसे ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे वो यूट्यूब के क्या करेगा। मोनार्क भाई ये ऊपर के 6 पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो तू है ना उसे सेल्फ मेड नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोलते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को उसकी वीडियोस ओपी लग रही हैं। भाई अगर तेरा रोस्ट वीडियो एंटरटेनिंग था ना तो ये बटन मुझे सूजन चाची ने भेजा है। यार तेरा गुनहगार मैं। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। हाँ मैं आगे लिख रहा था बट फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मोनार्क देख मेरा मूड चेंज हुआ, मतलब मेरा मूड स्विंग हुआ। मूड स्विंग किसको होता है? लड़कियों को। देख मैंने अपने आपको लड़की बोला। मोनार्क हंस।